ओम श्री साई राम। प्रश्नोत्तर वाहिनी षष्ठ खंड। स्वामी, क्या उन लोगों को भी मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने में बाधाएं होती हैं, जो आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हैं? अवश्य अवश्य। भूत, वर्तमान और भविष्य की बाधाएं, ये बाधाएं क्या है? अतीत की बाधा का क्या तात्पर्य है? अतीत की स्मृतियों का स्मरण और उनसे प्रभावित होना ही अतीत की बाधा है। वर्तमान की बाधा, वर्तमान की बाधा चार प्रकार से प्रभावित होती है। विषय शक्ति, उपदेश के भाव की उपेक्षा, पुस्तक ज्ञान का अधिक आग्रह, प्रज्ञा मांद्य, बुद्धि की मंदता, जो गुरुजनों और बुद्धि भक्ति के कथनों को समझने में बाधा उत्पन्न करती है, कुतर्क और विपर्ययी, दुराग्रह, केवल अपने ही विचार की सत्यता का अतिशय छलपूर्ण आग्रह। अनागत बाधा का क्या स्वरूप होता है? अनागत चिंताओं और कठिनाइयों का अनुमान बाधा उत्पन्न करता है। मैंने चार प्रकार की सृष्टि के विषय में लोगों को कहते सुना है, कृपया उन्हें स्पष्ट कीजिए। अंडज, स्वेदज, उद्दिवज और जरायुज कहलाते हैं। इन शब्दों का क्या तात्पर्य है? अंडज, अंडे के माध्यम से उत्पन्न, स्वेदज, स्वेद से उत्पन्न, उद्दिवज, धरती से उत्पन्न, जरायुज, रज और वीर्य से उद्भूत। चिड़ियों अंडज सृष्टि है, जू, पिस्सू आदि स्वेदज है, चींटियां वृक्ष आदि उद्भिज है, मनुष्य पशु आदि जरायुज है। अच्छा स्वामी, इनमें आत्मज्ञानी कौन होते हैं? परमात्मा के उपासक कौन होते हैं? क्या उनके विशेष वर्ग होते हैं? निसंदेह, इनमें भी चार प्रकार होते हैं। उनके नाम द्विज, मुनि, अल्पबुद्धि, विदितात्मा। इन चारों की विशेषताएं क्या है? द्विज वर्गीय परमेश्वर को पहचानते हैं, मुनि ये प्रभु को अपने हृदय में अनुभव करते हैं, अल्पबुद्धि अल्पज्ञ, इनके लिए मूर्ति चित्र आदि प्रत्यक्ष प्रतीकों की आवश्यकता होती है, जो उस प्रभु के दिव्य सौंदर्य और महत्ता का व्यक्त कर सके। वे प्रतीकों की उपासना करते हैं। विदितात्मा, वे प्रभु को विश्वव्यापी जानते हैं और सर्वत्र उसी का दर्शन करते हैं। इनमें सबसे महान कौन है? अपनी अपनी स्थिति में सब महान है, तथापि जो सर्वत्र सर्वदा उस सर्वात्मा की अनुभूति कर सके, वे ही महान है। स्वामी, किन चारित्रिक गुणों को हमें छोड़ना चाहिए, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की खोज करने वालों के मार्ग में क्या बाधाएं हैं? वे छह हैं: अरिषड वर्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इनसे बचना है। धन, संपत्ति, आदर, मान, कीर्ति और संतान की इच्छा, इनकी गिनती करना व्यर्थ है, ये अनंत है। इस मानस कल्पित मिथ्या क्षणिक एवं अवृत्ता वक्र जगत से किसी भी प्रकार राग काम ही है। क्रोध क्या है? दूसरों को हानि पहुंचाने की और उसके विनाश करने की इच्छा। लोभ, व्यक्ति विशेष द्वारा अर्जित एवं प्राप्त संपत्ति में से किसी अन्य को उसका एक अंश मात्र भी न देने का संकल्प। ये विचार कि महान संकट के समय भी संपत्ति का उपयोग न हो, लोभ ही कहलाता है। मोह का तात्पर्य क्या है? ये भ्रांति कि कोई दूसरे से मेरे अधिक निकट है और फिर उसे औरों की अपेक्षा अधिक प्रसन्न करने का यत्न तथा इस आधार पर
उनके लिए अधिकाधिक कमाकर एकत्रित करने का प्रयास। मद किसी में इस अनुमान से कि उसके पास दूसरों से बढ़कर विद्वता है, शक्ति है, संपत्ति है, प्रभुत्व के प्रदर्शन का भाव प्रकट होना मद कहलाता है। कभी कभी वैभव के न होने पर भी मनुष्य अपने गुरुजन के प्रति अशिष्ट हो जाता है। वह केवल अपने ही सुख और सुरक्षा की इच्छा करता है। मद अहम की चरम सीमा है। अंतिम को आपने मात्सर्य बताया, उसका तात्पर्य क्या है स्वामी? दूसरों को अपने जैसा सुखी देखकर उसे सहन करने में असमर्थ होना ही मात्सर्य है। कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जो दंभ, दर्प आदि कहलाती हैं। ये क्या व्यक्त करती हैं? दंभ यज्ञ याग आदि करने को निलंबित करता है, विपुल धन दान करने को उत्सुक करता है, जिससे कि वह संसार में ख्याति प्राप्त कर सके। सुखी और संपत्तिवान होने पर जो गर्व उत्पन्न होता है वह दंभ कहलाता है। ईर्ष्या का क्या तात्पर्य है? दूसरों के विषय में ये इच्छा कि वे दुखी हों, उन पर आपत्तियां और चिंताएं आवे और जो कष्ट मुझे प्राप्त है वैसे ही दूसरों को भी प्राप्त हो, ये भावना ईर्ष्या कही जाती है। तो इस प्रकार क्या ये असूया से भिन्न मनोविकार है? हाँ, असूया का अर्थ है सदा औरों का बुरा करने का विचार करना। इस इच्छा से दूसरों को कठिनाई एवं आपत्ति में डालने का यत्न असूया कहा गया है। इन सब को अंतरंग शत्रु कहा जाता है। इन शत्रुओं द्वारा फैलाए गए भ्रांति के जाल में जब तक मानव फंसा रहेगा, उसके मन में मोक्ष की अभिलाषा नहीं जागृत हो सकेगी। जय साईं राम।